तेलंगाना के हैदराबाद में पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोनिया गांधी को भारत माता के रूप में वर्णित किया गया है। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक शनिवार को हैदराबाद में हुई। पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य के भारत में विलय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर निजाम के शहर में कांग्रेस कार्य समिति का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था। CWC के बैठक सत्र को चिन्हित करने के लिए कांग्रेस ने हैदराबाद के विभिन्न हिस्सों में कई होर्डिंग लगाए थे। पोस्टरों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें भी थी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल भी मौजूद थे। होर्डिंग में कथित तौर पर सोनिया गांधी को भारत माता के रूप में संदर्भित किया गया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सोनिया गांधी को भारत माता कहकर देश का अपमान किया है। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने भी कहा, देखिए कांग्रेस का पुराना इतिहास और उनकी मानसिकता रही है कि हमेशा वो परिवार को देश के ऊपर रखते हैं, दल को देश के ऊपर रखते हैं, और आज उसी को चरितार्थ करते हुए जिस प्रकार से सोनिया गांधी को भारत माता के रूप में बताया गया है, ये वही पार्टी है जिसने भारत माता की जय के नारे पार्टी अनुशासनहीनता कहलाती है ये कहने का काम किया। BD कल्ला इनके नेता कहते हैं सोनिया माता की जय बोलो, भारत माता की जय मत बोलो। भारत की संस्थाओं पर, भारत की सेना पर, भारत की संस्कृति, भारत की जनता पर, विदेशी धरती पर जाकर भी ये लोग सवाल उठाते हैं। और ये वही पार्टी है जिसके इतिहास में इंदिरा को इंडिया के साथ जोड़ने का काम और इंडिया इज इंदिरा ये कहने का काम भी हुआ। आज उसी प्रवृत्ति को दर्शाते हुए जिस प्रकार का चित्रण किया गया है ये बेहद आपत्तिजनक है, अपमानजनक है, और दिखाता है कि कांग्रेस के लिए प्रथम परिवार का महिमा मंडन ही सब कुछ है, उनके लिए देश या भारत माता कोई भी मायने नहीं रखती। द कांग्रेस पार्टी हैज अ DNA एंड अ हैबिट ऑफ इंसल्टिंग भारत माता। रिसेंटली देयर लीडर हैज सेड भारत माता की जय शुड नॉट बी अटर्ड, इट इज पार्टी इनडिसिप्लिन। एंड टुडे द कांग्रेस पार्टी by displaying Sonia Gandhi as Bharat Mata has insulted Bharat Mata. They have shown that they put parivar above people, they put dal above desh, they put family above country. And therefore, this habit of saying Sonia Mata ki jai, which has been said by BD Kalla, who said don't say Bharat Mata ki jai, say Sonia Mata ki jai. Congress leaders had once upon a time said India is Indira, Indira is India. Today they have said Sonia Gandhi is Bharat Mata. And they are the same people who say Janta is Rakshas. It shows that they only believe in eulogizing one family. They don't care about the nation and they keep insulting Bharat Mata. Therefore, on foreign soil, they demand intervention in Bharat Mata. They keep asking and raising questions on Bharat Ki Sena. They attack Bharat Ki Janta and Bharat Ki Sanskriti. And today, they have insulted Bharat Mata. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।